मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास सिक्स का चैप्टर एट ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पात्र परिचय दिया है इस चैप्टर में, जो पात्र हैं उसके परिचय दिए हैं। ये देखिए, मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया है कि दृश्य क्या चल रहा है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरे रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। तो दो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे अर्थात कालीन, ठीक है। गलीचों का मतलब है कालीन, ठीक है। कालीन बिछे हैं, बीच में कुर्सियाँ हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। सम बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं उसके, ठीक है। तो ये दृश्य है। अब माँ बोलती है, मोहन की माँ, ठीक है, पुचकार कर, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बॉटल रखती हैं। तो ये माँ मोहन की माँ उस मोहन से बोल रही कि ऐसा मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले। वो गर्म पानी से उसको सेकते, फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है और उनसे कहती है, अंट शंट तो नहीं खा लिया इसने? पिताजी क्या कहते हैं मोहन की माँ से, कहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है, ठीक है, वो उन्हें बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं वो, अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, कहते जब तक हम दफ्तर से घर को आ रहे थे तो कूद रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला। यकायक मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कह रही कैसे, माँ ने पूछा कैसे, तो पिता बोल रहे हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, कह रहे मैंने पूछा गड़गड़ हो रही है, तो बोला नहीं। मैंने फिर बोला चाकू सा चुभता है, तो भी जवाब दिया नहीं। कह रहा गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। तो पूछा उसका जवाब नहीं, कह रहे जो भी पूछूं उसका जवाब नहीं दे रहा, बस एक ही रट लगा रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर क्या कहती है माँ, हंसकर बोलती है, हंसी हंसी दुख का दुख। वो कहती है हंसी की हंसी दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसा बोलती है। कोई नहीं बीमारी तो नहीं है, वो कहती कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं तो बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर गया, मतलब क्या है हवाई उड़ रही है, मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो क्या है अब उसके चेहरे में रौनक नहीं है, ठीक है। तो माँ ऐसा कहना चाह रही। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया। तो पिताजी कहते हैं हाँ एकदम सफ़ेद पड़ गया, क्या है मतलब बीमारी में क्या होता है, हमारे चेहरे से ग्लो चला जाता है, ग्लो मतलब हमारे चेहरे से चमक उड़ जाती है ना। खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाश्ता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। कह रहा है बस में भी ये खड़ा नहीं हो पाया, बस इधर उधर नाश्ते हुए यही बोल रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहरा कर, माँ ओ माँ। तो फिर मोहन कराह कर पेट में उसके दर्द से कराहता हुआ, चीखता हुआ बोलता है, माँ ओ माँ। तो माँ क्या कहती, ना ना मेरे बेटे मेरा लाल ऐसे नहीं। तो माँ क्या बोलती, नहीं नहीं बेटा मेरा लाल ऐसा मत कर, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तो फिर वो अपने पति से बोलती है, माँ जो है वो मोहन के पिता से बोलती है, जी जरा देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, ऐसा बोलती है मोहन की माँ। देखो ना कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी कहती कि देखो ना जरा भी इसको राहत नहीं मिल रही है, मैं हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ इसे, वैद्य जी आ जाते तो अच्छा होता, उसकी माँ सोचती है। मोहन तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता यह 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है जी, नहीं खाया तो कुछ नहीं। तो मोहन के पिता क्या कहते हैं, क्या ये 4332 बोल रहे हैं, 4332 बोल रहे हैं? तो फिर वो बोलते हैं हाँ बोल रहा हूँ डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो पिता जो मोहन के पिताजी हैं वो क्या बोलते हैं, पेट में दर्द है मोहन के, उसने कुछ खाया भी नहीं, बस यही कह रहा है कि बस जी यही कह रहा है, गिरा भी नहीं है, बस ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे ही बोल रहा है, बस जी ऐसे ऐसे कह रहा है, बस ऐसे ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे ऐसे क्या भला है, पिताजी पूछते हैं मोहन के, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी हाँ, तो वो कहते कि हाँ चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है डॉक्टर को, और कहते हैं नाचा फिरता है जी, नहीं दस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके पिता बोलते हैं जी हाँ पैसा भी आई थी जी, नहीं रंग तो हमने देखा नहीं, अगर आप बोलेंगे तो हम रंग भी देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी बड़ी कृपा है। तो कहते हैं ठीक है बड़ी कृपा है डॉक्टर से, और डॉक्टर साहब चल दिए हैं, डॉक्टर साहब वहाँ से आते हैं बस 5 मिनट में आ जाएंगे। तो मोहन क्या कहते हैं, माँ माँ ओ माँ, उठकर नीचे झुकता है। वो क्या करता है, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय। माँ
क्या हो गया दोपहर को, भला चंगा था? वो कहती कि जो दोपहर को तो बहुत भला चंगा गया था, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे पढ़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला, हर वक्त घर को सिर पर उठाए, नहीं तो मोहन कैसा था, मोहन बहुत शरारती बच्चा होगा। तभी उसकी माँ कहती कि वरना तो सर को घर को सर पर उठा लेता था। अजी फिर दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं कहते हैं अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार के रहते हो, कहते कि घर क्या हो तो पड़ोस को भी गुलजार, मतलब क्या होता है गुलजार का, गुलजार का क्या अर्थ है, क्या करता है वो घर को भी गुलजार के रहता है, मतलब खिला खिला सा रखता है, मतलब बहुत उसके रहने से रौनक रहती, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसको मुक्का उसको थप्पड़, बस मोहन ही मोहन जहाँ देखो। पिता कहते हैं बहुत नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया, कहते अब तो देखो इसका चेहरे का रंग उतर गया, थका सा लगता है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल भी कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पढ़ा है। दीनानाथ जो उनके पड़ोसी बोलते हैं हाँ मुझे लगता है कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो ऐसे पढ़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता भी नहीं है, पर कोई ना डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं ठीक कर देंगे। ठीक है फिर मोहन क्या होता है तेज़ी से कराता है, अरे रे रे ओ, तो माँ के कहती घबरा कर बोलती क्या हुआ बेटा क्या हुआ। मोहन बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है ऐसे। माँ कहती ऐसे कैसे बेटे ऐसे होता क्या है, तो मोहन कहता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी फिर प्रवेश करते हैं। ठीक है वैद्य जी बोलते हैं कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, फिर कहते हैं कि जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने की को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है पिता वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पा रहा, नाड़ी दबाते हैं, कहते हैं वात का प्रयोग है, वात अर्थात वायु से होने वाला, ठीक है वायु रोग, वात कहते हैं वात का प्रकोप है, मतलब क्या है संक्रमण है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, फिर डॉक्टर ने मोहन से बोला मोहन जीभ तो दिखाओ, जीभ निकालते हैं मोहन, कब्ज है, कहते कब्ज है पेट साफ नहीं हुआ है, शायद इसका पेट साफ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गए, कहते कि शायद इसका पेट साफ नहीं है तो इस वजह से इसके पेट में क्या है वायु बढ़ गई और वायु से इसका वायु रूपी रोग को वात कहते हैं वो हो गया। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है जी हाँ ओ, फिर मोहन कहता है हाँ जी ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, वैद्य जी खुश होकर कहते हैं मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है पर ये मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती, कहते मामूली सा रोग है पर कभी कभी छोटी बात भी बड़ों बड़ों को परेशान कर देती, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, तो उनने बोला डॉक्टर ने, वैद्य जी ने उनके पड़ोसी से बोला आओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से आधे आधे घंटे, फिर वो मोहन की माँ से कहते हैं आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देना है, ठीक गर्म पानी के साथ देना, दो तीन दस्त होंगे फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, फिर कहते हैं दो तीन बार ऐसे दस्त होंगे फिर इसका ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी की द्वार दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता को पाँच का नोट निकालते हैं, मोहन के पिता पाँच का नोट निकालते हैं, पिता वैद्य जी यह आपका भेंट, नोट दे देते हैं वो। ठीक है तो वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, वो कहते हैं कि अरे, वो मना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं, फिर वो अंदर के दरवाजे से जाते हैं और तभी डॉक्टर प्रवेश, डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कहता है डॉक्टर पास बैठते हैं, पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर पेट दबाने लगता है, अभी देखता हूँ जीभ तो दिखाओ बेटा, वो कहते हैं जीभ दिखाओ बेटा, मोहन से मोहन जीभ निकालता है, वो कहते हैं हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं कराता है, माँ बताओ बेटा डॉक्टर साहब को समझाओ, तो मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है उंगलियाँ भींचता है, डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है, डॉक्टर से बोलते तबीयत बहुत, तो डॉक्टर बहुत थोड़ा गंभीर होकर सीरियस होकर बोलते हैं मैं तो मैं देख रहा हूँ चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं, कॉलिक कॉलिक क्या होता है जो वंश से मतलब कुल का रोग कह सकते हैं हम, ठीक है जैसे होता है ना किसी को कुल से कहते हैं हमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि क्या होता है हमारे माँ बाप से हमें एक रोग पास होता है, ठीक है फिर हमसे हमारे बच्चों को, तो ऐसा कोई रोग तो नहीं है, अब फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, वो कहते फोड़ा भी नहीं है, माँ काँप कर बोलती है फोड़ा, डॉक्टर जी नहीं वह नहीं है बिल्कुल नहीं है, मोहन से जरा मुंह फिर खोलना जीभ निकालो, मोहन से बोलते हैं, मोहन जीभ निकालता है फिर वो कहते हैं हाँ कब्ज़ ही लगती है, वो कहते हैं कब्ज लगता है कुछ बदहजमी है, उठते हुए कोई बात नहीं दवा भेज देता हूँ, वो अपने पिता से उसके पिता से बोलते हैं क्यों ना आप ही चले, क्यों ना आप चले, और मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत तो ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा
लेती है, बस उसी की ऐठन है। तो वो भी ये कहते हैं कि शायद इसके पेट में हवा हवा के वजह से, हवा होने की वजह से रोग हो गया है। ठीक है, तो डॉक्टर जाते हैं, कब्ज़ हो गई है, बदहजमी हो गई है। तो डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर से बोलती है कि क्या मैं इसको सेक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं और माँ बोतल उठाती, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन, वो पूछते हैं मोहन का हालचाल। तो माँ बोलती है आओ जी रामू की काकी, वो कहती है आओ रामू की काकी, कैसा क्या लोचा लोचा फिरे है, जाने में ऐसे ऐसे दर्द क्या लड़के का बुरा हाल कर दिया। कह रही है पता नहीं है ऐसे ऐसे दर्द क्या है, क्या क्या कहूँ, ये तो क्या है, ये बेचारा बहुत ही बुरी हालत में है। तो कहती है पड़ोसी ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली। वो कहती है कि हाँ जी पता नहीं इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया। वो कहती है कि क्या है, ये बीमारियों ने बड़ा तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए। वह बात की है कि खाना पीना तो रहा नहीं, कह रहे कि खाना पीना भी वैसा ना रहा पूरा। तो माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। तो माँ कहती है कि डॉक्टर ने बोला बदहजमी, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था अपने पति की ओर इशारा करते, उनके मतलब अपने पति के साथ बोलती है, मतलब अपने पिता के साथ। वह कौन, मोहन, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, कह रहा वहाँ भी उसने कुछ नहीं खाया, कहती है उसकी माँ, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। फिर बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहर, फिर मास्टर जी प्रवेश करते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो कहती है कि अपने अपने पति को बुलाती कि मोहन के मास्टर जी हैं, सुना है, फिर वो बोलती पुकारती है उन्हें कि बोलती आ जाए, मोहन के मास्टर जी को बोलती आइए अंदर आइए, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं, क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया इसे। तो मास्टर जी कहते हैं उसकी माँ से कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है मैंने सुना। तो मोहन के पास जाते हैं, कहते हैं चेहरा तो इसका उतरा हुआ लग रहा है। फिर वो मोहन से कहते हैं तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। फिर उसकी माता से बोलते हैं कि क्यों आपने इसे ऐसा क्या खिला दिया। तो माँ कहती खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी कहते तब तो शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो फिर क्या होता है, मास्टर जी कहते माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जनता अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। कहते तो उसके मास्टर जी बोलते कि माता जी मोहन को वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है इसका इलाज, इसकी बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर इसके जैसे बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। तो माँ कहती है सच, क्या बीमारी है। तो कहती है सच में ऐसी क्या बीमारी है। मास्टर जी कहते हैं अभी बता दो। मोहन से कहते हैं अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक तो बात बताओ स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। तो पूछता है मोहन से कि ठीक है बेटा तुम्हारे दर्द तो सही हो जाएगा, डरो मत, लेकिन हाँ एक बात बताओ कि तुम स्कूल तो कल नहीं आ पाओगे लेकिन स्कूल का काम तो तुमने कर लिया होगा। तो मोहन क्या होता है चुप हो जाता है। माँ कहती जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं। मास्टर जी बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, फिर वो ना बोलता है, फिर वो ना में सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ। वो कहता है कि नहीं सारा नहीं हुआ। मास्टर शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है जी मास्टर तो यह बात है ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। तो कहते हैं कि यह बात है कि ऐसे ऐसे जो है ये रोग ये काम ना करने की वजह से। माँ चौंक कर हैरान होकर कहते क्या। मोहन क्या होता है मुंह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कहते। फिर कहते माता जी मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो उसके मास्टर जी बोलते हैं कि आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसमें आप अपना पचा हुआ सारा काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपा रहता है। फिर अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। वो कहते हैं उठो खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है। माँ को ऐसा लगता है कि अब बेटे ने तो उनको क्या कर दिया, ममता, माँ तो ममता, माँ के अंदर तो ममता का भाव होता है, वो तो बच्चे को कुछ भी होता है तो डर जाती है। तो माँ अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा क्या करते हैं, दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग पिता से, देखो जी देखो जी अपने। तो कहते हैं क्या, वो माँ कहते हैं मोहन से क्यों मोहन तेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा था, हमारी तो जान निकल गई थी, 15-20 रुपये भी तूने फालतू में खर्च करा दिए। पिताजी कहते हैं क्यों क्या हुआ क्या हुआ, चकित होकर हैरान होकर। माँ कहते क्या होता है ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना कर पाने का डर है ये। तो पिता कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। फिर सब क्या होते हैं, उसके पिता हैरानी से बोलते हैं हाँ, और उनके हाथ से दवा की शीशी क्या होती है, नीचे फर्श में गिर जाती है और सब एक दूसरे को मूर्ख महसूस
प्रतीत करते हैं। दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन वाह, तो दीनानाथ जो उनके पड़ोसियों कहते हैं वाह मोहन वाह, तो पिताजी कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, वो कहते हैं कि वाह तुमने तो खूब हमें ठगा है। तो फिर एक अट्ठास के बाद पर्दा गिरता है, अट्ठास मतलब जोर की हंसी, ठीक है जोर की हंसी, तो सब जोर से हंसने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है, तो नाटक यहाँ पे ख़त्म होता है। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्या, एकांकी से सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का दृश्य, उसका एक दरवाजा अरे बरामदे में खुलता है और डैश उस पर एक फ़ोन रखा है, तो यहाँ पे क्या है, उस पर क्या, किस पर रखा है, तो बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, उसके ऊपर सोफे का सेट है, कोने में दूसरे कोने में टेबल रखा है, कमरे के बीच में तो दीवार पे रुके एक मिनट, हाँ तो इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाने को बोला है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, क्या है ना, हमें जो बैठक का दृश्य बताया है उसमें क्या होता है, बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है, इसका हमें बैठक की तस्वीर बनानी है, आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा क्यों रही थी। अब देखिए बैठक, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, माँ का घबराना स्वाभाविक भी था, क्योंकि माँ क्या है, अपने बच्चे की ममता में, मोह में, प्यार में चिंतित हो ही जाती है, आखिर वो माँ है ना, उसने जन्मा है अपने बच्चे को, तो क्या होता है, अब माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बता भी नहीं रहा था, बस ये बोल रहा था कि ऐसे 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 हो रहा है बस, तो माँ ने सोचा पता नहीं ये कौन सी नई बीमारी है और इस कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई। ठीक है, अब प्रश्न तीन क्या, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं, ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। देखिए क्या क्या होता है, हम कहते हैं पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं चले गए थे, और क्या हो गया, काम तो किया था बस, क्या हो गई, कॉपी घर पे छूट गई, माँ की बीमारी का बहाना है, सब क्या है, सब टीचर्स सब जानती हैं, सब जानते हैं, वो सब पहचान लेते हैं। अनुमान और कल्पना, अब यहाँ पे आपको अपनी कल्पना और अनुमान के हिसाब से उत्तर दें। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए, मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, क्या बीतेगी। सही बात है, देखिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक बच्चा होता है, बोलता है हर बार लोगों को, गांव वालों को, शेर आया, तो लोग उसको दो तीन बार तो उसकी बात पे यकीन करते, फिर जब सच में शेर आता है तो उसकी बात पे यकीन नहीं करते, शेर उसे खा जाता है। तो देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है। ठीक है, झूठ तब तक सही है, देखिए झूठ हमें ऐसी स्थिति में बोलना चाहिए जहाँ हमें लगता है कि इस झूठ को बोलने से किसी दूसरे का कुछ भला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम नहीं कर रहे तो आप मार से पिटने के लिए क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ऐसे में आपकी भलाई होगी, ये नहीं है, तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाता है। देखिए तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा अपना कार्य टाइम पे समय रहते करना चाहिए, तो आपको ऐसे झूठ बोलने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, विष्णु दो पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस अन्य पंक्तियाँ भी हैं ऐसी, इतनी इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, अनुमान लगाओ इन पंक्तियों के दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है इन पंक्तियों को। देखो तुम कहते हो इतनी इतनी नई नई बीमारियाँ हैं, ठीक है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी, तेरे तू तो बहुत चालाक है, ठीक है ये बोल सकते हैं, इसका अर्थ ये था। अब क्या है प्रश्न तीन, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अब आप अगर किसी की तबीयत पूछते हो तो आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हाँ मोहन तो तुम कैसे हो, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक होगी, तुम दवा तो टाइम पे तुमने वैद्य को दिखाया या डॉक्टर को दिखाया, तो तुम्हारे इस दर्द का कारण क्या है, ठीक है ये सब कुछ पूछेंगे ना, और जब भी तुम अपना ख्याल रखना ये वो बोल के विदा ले लोगे आप। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए, ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। देखो आपको बोला है कि संकट के समय में आप कैसे, संकट के समय में पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने, पुलिस का नंबर क्या होता है 100, फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस का 102, यदि कोई वारदात होती तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को, और यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करोगे, ठीक है, और इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करोगे, उन्हें घर का पता बताओगे और उनसे शीघ्र आने के लिए बोलोगे। ठीक है, ऐसा होता तो क्या होता, मास्टर
स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन हाँ में सिर हिलाता है। ठीक है मोहन जी, सबका काम पूरा कर लिया। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। देखो अगर मोहन ने काम कर लिया होता तो मोहन हाँ में सिर हिलाता, तो मोहन जी कहते, तो ऐसी स्थिति मास्टर जी समझ जाते कि दर्द क्या है सचमुच में है, और वह मोहन के पिता और उसको ठीक से इलाज कराने की सलाह देते। बस अब भाषा की बात है। मोहन ने केला और संतरा खाया, क। ख मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ग मोहन ने क्या खाया, घ मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते पर उनके अर्थ अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, निषेध का अर्थ नहीं या मना ही में होता है। तीसरे वाक्य इसी प्रकार को प्रश्न के रूप में, तो इसे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य मोहन उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया, इसे बाकी तीन रूप सोचकर लिखो आप बताना। रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, क्या बोला है पहला वाक्य, रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं मना करना या पूछना, आदेश देना, तीनों में बनाना है। नहीं मना करने में रुथ ने कपड़े, क्या बोलोगे यहाँ पे, नहीं जब लगाना है तो रुथ ने कपड़े अलमारी में, यहाँ पे क्या लिख दोगे, नहीं रखे, क्या लगाओगे, नहीं रखे। ठीक है, नहीं रखे। फिर दूसरा पूछना, क्या लगाओगे, रुकिए इसके आगे क्या लगा दोगे सर, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये बन जाएगा पूछने वाला। आदेश देना में क्या बोलोगे, रुथ कपड़े कहाँ रखो, अलमारी में रखो। ठीक है, बस ये बन जाएगा आदेशवाचक। कुछ और करने के लिए भी आदेश देना, बस। तो ये पाठ हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, बाय।